बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिशन जो है वो इनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिशन था, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन किया था। तो थॉमस एल्वा एडिशन जो थे वो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के कारण जो है आज हम अंधेरे में भी जो है बल्ब के द्वारा उजाला करके और सारी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, और एक ही दिन में ये कार्य नहीं हुआ, लगातार उन्होंने कई कोशिशें की इसके लिए। जब एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा हमारा चैप्टर शुरू होता है कि थॉमस एल्वा एडिशन जब छोटे थे तो उनको उनके स्कूल के जो थे टीचर उनके द्वारा स्कूल द्वारा उसको उनको निकाल दिया गया, और ये कह दिया गया कि क्योंकि वो एक मंद बुद्धि बच्चे हैं। मंद बुद्धि का अर्थ होता है बेटा जिसमें कम दिमाग हो, पर ऐसा नहीं होता, किसी का भी दिमाग जो है वो कमजोर नहीं होता, कोई भी बच्चा मंद बुद्धि नहीं होता है। हमें कभी भी किसी को डिमोलाइज नहीं करना चाहिए, और किसी के कह देने से हार नहीं माननी चाहिए, लगातार अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर हम कठिन मेहनत करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो हम भी हर काम को करने में सक्षम होंगे, हमें उस चीज में अपने कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। जब बचपन में इनको मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था थॉमस एल्वा एडिशन को, तो उनकी मम्मी ने उनको घर पे ही जो है वो उनकी पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद बड़े होकर उन्होंने आविष्कार करने शुरू किए, और बल्ब के आविष्कार के लिए उन्होंने एक नहीं, एक दिन, दो दिन, महीने नहीं, कई सालों तक उन्होंने जो है वो बार बार खोज की, अभ्यास किया, और लगभग कई हजारों जो उनके प्रयोग थे वो असफल रहे। और इस पर जो उनके जब वो प्रयोग कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने सालों से प्रयोग कर रहे हैं और अभी भी बल्ब नहीं बना, आपको दुख तो होता होगा ना? तो वो बोले कि नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, बल्कि मुझे हर असफलता से ये सीख मिलती है कि बल्ब इस तरीके से नहीं बनता, मुझे इसमें और ज्यादा इस तरीके से नई कोशिश करनी है, इस बार मेरी कोशिश जो है उसमें ये कमी रह गई है, तो मैं मेरी कमी को सुधारने का जो एक नया मौका मुझे मिलता है। इसी तरीके से हमें भी अगर लगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद में और हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो हमें रुकना नहीं है, बार बार कोशिश करनी है, लगातार मेहनत करने से हम अच्छा लिख भी सकते हैं, अच्छा पढ़ भी सकते हैं, और कोई भी मंद बुद्धि होता नहीं है। अगर हम उसके किसी भी कार्य के प्रति डेडिकेट होकर उसको करेंगे, रेगुलर करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो उसमें हमें जरूर सक्सेस मिलेगी। और जिस बच्चे को मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया था वही बच्चा आगे चलकर थॉमस एल्वा एडिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया, और कई मतलब हजारों प्रयोग जो उनके असफल होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, कठिन मेहनत और जो लगातार प्रयास है उन्होंने नहीं छोड़ा, और अपनी कोशिश जारी रखी जब तक कि बल्ब ना बन गया हो, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। तो बेटा इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें किसी भी कार्य में बार बार असफलता मिलती है या बोरियत महसूस होती है या लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमें या कोई कह रहा है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, तो हमें जो है अपनी कोशिश जारी रखनी है, एक डेडिकेशन होना चाहिए, है ना, दृढ़ लगन और विश्वास से हम उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस जो पार्ट है इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स आए बेटा। पहला है वैज्ञानिक, जिसका अर्थ होता है, आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, और अर्थ होता है जिस व्यक्ति का जो है संबंध विज्ञान की खोज से हो, जो इंग्लिश में हम साइंटिस्ट वर्ड पढ़ते हैं उसी को हिंदी में वैज्ञानिक बोलते हैं, जो विज्ञान की साइंस में नई नई आविष्कार, नई नई इन्वेंशन खोज करे, उसी को वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कर्मठ, कर्मठ का अर्थ होता है कर्मयोगी, अपने काम में विश्वास रखने वाला, है ना, कि मेरा तो लकी अच्छा नहीं था और किसी और दूसरी चीज पे हम किसी कंडीशन पे परिस्थिति पे ब्लेम ना करके अगर हम अपने काम में पूरे लगन से मेहनत से कार्य करेंगे, ठीक है, तो हमें सफलता जरूर हासिल होती है। कर्मठ का अर्थ हो गया बेटा कर्मयोगी, मेहनती, अपने काम में दृढ़ लगनता से अपना कार्य पूरा करने वाला,
आविष्कार का अर्थ होता है खोज, इन्वेंशन, और रोशन का अर्थ होता है प्रकाशित। तो इस प्रकार थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को जो है वो रोशन किया। बेटा आपको पूरा चैप्टर वापस से ध्यान से पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी वर्कबुक में करने। थैंक यू।